वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद वन मोर मिंत्रा हॉल। सो दिस टाइम आई गॉट टॉप्स, टी शर्ट, जीन्स, बैग्स एंड ज्वेलरी फ्रॉम मिंत्रा एंड हमेशा की तरह अफोर्डेबल ही है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट विद दिस टॉप क्योंकि ये मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा था अबाउट दिस टॉप। सो ये मैंने मिंत्रा से ही लिया था एंड ये सेरा ब्रांड से है। ये मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था एंड अभी भी आपको मिंत्रा पे ही मिल जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है। बहुत ही प्रिटी सा मल्टी कलर टॉप है। स्लीव्स जो हैं इसकी पूरी लाइक ऐसे नेट की स्लीव्स ही हैं, सी थ्रू स्लीव्स ही हैं एंड कलर जो है ना इसका सबसे प्रिटी लगता है मुझे। पिंक एंड ग्रीन एंड ब्लू सारे ही कलर इसमें मिक्स हैं एंड वी नेक है इसका फ्रंट एरिया से एंड लेंथ वाइज येस इट इज क्रॉप्ड एंड साइड से आपको जिपर दिया हुआ है एंड आई गॉट दिस वन इन साइज स्मॉल एंड मेरे का प्राइस जो है वो 500 या फिर 600 रुपीज इतना ही था। आई गॉट दिस वन प्रिटी ऑरेंज कलर का टॉप एंड इसका भी जो मटेरियल है वो 100% कॉटन एंड ब्रीदेबल मटेरियल है। जो आपको समर्स में चाहिए होता है बिल्कुल वैसा ही मटेरियल है इसका एंड प्लस इसमें आपको शिफली लाइक मटेरियल है फ्रंट एरिया से। इसमें एक व्हाइट कलर भी आपको मिल रहा है सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास तो ऑलरेडी व्हाइट कलर में इतने सारे टॉप्स हो चुके हैं तो मैंने तो यही कलर पिक किया है। आगे से कुछ ऐसा है, अंदर से आप कोई ट्यूब टॉप या कुछ भी पहन सकते हैं। बैक एरिया से यहाँ पर एक सिंगल बटन है। फन साइज स्मॉल एंड ये भी एक क्यूट सा प्रिटी सा ब्रीदेबल मटेरियल का टॉप है। सो अगर आप ऐसा कोई कॉलेज के लिए या ऑफिस के लिए कोई टॉप देख रहे थे एंड वो भी इतनी गर्मी में, अगर आपको कोई कॉटन मटेरियल का सुंदर सा टॉप चाहिए सो उसके लिए एक परफेक्ट परफेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन आई गॉट दिस ट्रेंडी टी शर्ट जो मैंने अभी नहीं ली, काफी टाइम पहले ली थी, आई थिंक लास्ट समर्स में ली थी एंड मैं इसको अभी तक एकदम घिस चुकी हूँ पहन पहन के। सो आप इसके बारे में भी आपने मेरे से बहुत बार पूछा है। सो ये भी मिंत्रा से ही है। इसका प्राइस जो है वो इतना ही अफोर्डेबल है, 400 और 500 रुपीस का ही था एंड ये मेरी मैंने इसे स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था एंड ये हेयर एंड नाउ ब्रांड से है। उस ब्रांड मैंने ज़्यादा टॉप्स कभी ऑर्डर नहीं किए हैं। नॉर्मली जितने भी मैंने टॉप्स ऑर्डर किए हैं मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। सो प्रिंट आप देख सकते हैं कि कितना एस्थेटिक Y2K एस्थेटिक प्रिंट है इस टी शर्ट का। ऑलरेडी ये ओवरसाइज्ड है, मटेरियल इसका बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, अच्छा ब्रीदेबल 100% कॉटन मटेरियल है एंड आप इसकी हालत देख के बता सकते हैं कि मुझे कितनी अच्छी लगी, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हर कलर के साथ ही अच्छी लग रही है। लाइट पिंक इसका कलर है, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई और कलर ऑप्शन है। मेरा ट्रू साइज स्मॉल है, मैंने इसे स्मॉल साइज में किया है तो इतना ओवर साइज भी नहीं आ रही है, इतना मतलब इतना बैगी फिट भी नहीं है, फिट जो है वो नॉर्मल है। सो नेक्स्ट वन आई गॉट दिस वन व्हाइट कलर के ट्राउजर्स एंड मैं इतने टाइम से व्हाइट कलर की ट्राउजर्स देख रही थी, अच्छी दिख रही थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया। ये सेसाफ्रास ब्रांड से है, मैंने काफी टाइम बाद कुछ सेसाफ्रास से ऑर्डर किया है। पहले मैं बहुत सारे टॉप्स से ऑर्डर करती थी एंड इसमें मैंने साइज जो है 28 ही ऑर्डर किया है। ये इसका जो ऊपर से फिट है ना वो इलास्टिकेटेड ही है, बैक एरिया से आप देख सकते हो। साइज वाइज तो मुझे कोई इशू नहीं है, हल्का हल्का लूज है बट इलास्टिक दिया हुआ है तो वेस्ट एरिया से अच्छे से आ रहा है एंड ये लाइक स्ट्रेट फिट ही है इसका। इसका सिंगल आपको इसमें बटन मिल जाएगा, दो पॉकेट्स मिल जाएंगी। कुछ कम्फी वाइट पैंट्स चाहिए थी एंड उस प्राइस के अकॉर्डिंग ये अच्छी है। इसका प्राइस सिर्फ 629 रुपीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग तो मटेरियल भी अच्छा आया है, इतना सी थ्रू भी नहीं है एंड साइज वाइज भी पहनने के बाद भी अच्छी लग रही है। एंड वाइट पैंट्स ना ऐसे ब्रीदेबल मटेरियल की स्पेशली समर्स में चाहिए होती हैं, ऑलमोस्ट सभी कलर्स के साथ चली जाती हैं। प्राइस जो है वो ओके ईश है, इतना भी अच्छा लाइक हाई क्वालिटी मटेरियल नहीं है, ठीक ठाक मुझे इसका मटेरियल लगा, फिट अच्छा लग रहा है मुझे। प्राइस के अकॉर्डिंग येस इट्स वर्थ इट। टॉप्स ऐसे ही लिए हैं जिसका कॉटन मटेरियल हो, समर्स में ना कॉटन मटेरियल के टॉप्स ही पहने जाते हैं। समर्स की बात हो रही है तो समर्स में स्किन भी बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है और ना बिल्कुल डल सी लगने लगती है। यार हम सभी को अच्छा लगता है अगर हमारी स्किन क्लियर हो, ग्लास स्किन जैसी कोरियंस की होती है। सो मैंने काफ़ी टाइम पहले रीड किया था कोरियन स्किन केयर के बारे में, तो उसमें राइस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो मैंने पहले ट्राई कर चुकी हूँ वो राइस वाटर। आई थिंक सबने ही ट्राई किया होगा, आपको अमाउंट भी नहीं पता होता कि कितने अमाउंट में आपको यूज़ करना है। तो उसी के लिए एक ऑल्टरनेट जो ऑप्शन है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है दीज प्रोडक्ट। लास्ट वन वीक में मैंने सिर्फ यही यूज़ किया है जस्ट टू सी कि क्या डिफरेंस आता है मेरी स्किन में। सो आप जो फर्स्ट क्लिप देखेंगे वो देखेंगे डे वन जब मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है, कोई भी पैराबेन।
मामा इट इज प्लास्टिक पॉजिटिव। पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। मेरा स्किन टाइप जो है ड्राई है, बट समर्स में नॉर्मल ही होता है, तो ये मेरी स्किन को ड्राई भी नहीं करता, लाइक एक्सेसिव ड्राई भी नहीं करता, एंड एट द सेम टाइम क्लीन भी कर देता है जैसा मुझे अच्छा लगता है। एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद मैं यूज करती हूँ दिस सनस्क्रीन। एंड द सनस्क्रीन जेल जो है इसमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस वाटर एंड नायासिनमाइड। SPF 50 PA प्लस 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 है, सो नॉनस्टिक ही फॉर्मूला है, व्हाइट कास्ट भी नहीं है, तो एकदम परफेक्ट है स्पेशली समर्स के लिए। सो आफ्टर 7 days आप मेरी स्किन में आई होप डिफरेंस देख पा रहे होगी। एंड इतना अफोर्डेबल होने के बाद भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं RG2023 टू गेट 20% ऑफ। मैंने आपको पहले भी बताया है एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम मामाअर्थ विल लिंक और ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million trees as part of this initiative, and ये सभी products आपको Mamaearth की website and also app पर भी मिल जाएंगे। Yes, Mamaearth की app भी है, and उसी के साथ साथ आपको Mamaearth के store पर भी मिल जाएंगे। अभी अपने आस पास Mamaearth का store दिखता है तो comment down below, and उसी के साथ साथ आपको ये सभी products Amazon, Nykaa, Flipkart and Purple पे भी मिल जाएंगे, and दोनों ही products के link आपको description box में मिल जाएंगे। This one we have this one, and मेरे को ना ऐसा कोई इतना बड़ा tote bag नहीं लेना था क्योंकि मेरा size इतना नहीं है, मेरे साइज से भी बड़ा लग रहा है ये टोट बैग। मैंने H&M स्टोर में बहुत बार देखा था इस बैग को, बट ये मेरे साइज के अकॉर्डिंग इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने जैसे ही इसे 628 रुपीज में देखा, सो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। एंड मुझे पता है कि मैं इसे बहुत बार अब यूज करने वाली हूँ। इसका साइज आप देख सकते हो कि कितना बड़ा साइज है। इसमें लैपटॉप भी आ जाएगा, बुक्स भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। स्पेशियस है ये, एंड इतना स्पेशियस है ये बैग, आप देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ आने वाला है। घर का जितना भी आपको सामान लेके चलना है सब आप इस बैग में कैरी कर सकते हैं। ट्रेवल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मैंने उसी पर्पस के लिए लिया है। एंड H&M की क्वालिटी बैग्स के लिए हमेशा ही अच्छी रहती है, एंड प्लस ये ग्रीन कलर आजकल कितना ट्रेंड में है। ऐसे किसी व्हाइट आउटफिट या ब्लैक आउटफिट के साथ लूंगी तो अच्छा लगेगा। एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें ऊपर से कोई भी जिपर नहीं है, बाकी इसमें मुझे सब कुछ अच्छा लगा क्वालिटी वाइज एंड प्राइस वाइज। तो 600 रुपीज में मिल ही नहीं सकता ऐसा बैग, और अभी भी सेम प्राइस में मिल रहा है ना। अगर आपको टॉट बैग चाहिए डेफिनेटली आप इसे चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे मटेरियल का। वन जो मैंने नेक्स्ट भी है ज्वेलरी, तो फर्स्ट वन इज दिस वन जो मैंने एक्सेसराइज से ली थी। तो बहुत ही बेसिक से मैंने हुक्स लिए हैं दीज वंस, तो ये मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, मैंने विशलिस्ट भी किया था। तो मेरे को ऐसे हुक्स चाहिए थे जिनका साइज़ मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए था, मीडियम साइज़ ही चाहिए था, स्मॉल भी नहीं चाहिए था। तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट आए हैं, एंड क्वालिटी तो आप लोगों को पता ही है कि एक्सेसराइज की अच्छी ही रहती है। लेटली मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी ऑर्डर करी है एक्सेसराइज से, एंड आई हैव टू से कि बिल्कुल भी इतनी जल्दी टार्निश नहीं होती है, एंड इतने अच्छे अफोर्डेबल प्राइस पे मिंत्रा पे मिल जाता है जो नॉर्मली उनके स्टोर पे मुझे नहीं मिले। ये बेसिक मेरी वाइट शर्ट के साथ, ब्लैक टी शर्ट्स के साथ, कैसी भी यार हुप्स तो आपको पता ही है कि वर्सेटाइल रहते हैं, आप कभी भी पहन सकते हो। और मुझे कुछ इतना बड़ा नहीं चाहिए था, कुछ बेसिक ही चाहिए था और थोड़ा डिफरेंट चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट आए हैं। एंड प्राइस वाइज भी इसका प्राइस जो है वो 200-300 रुपीज़ ही था, बट उसके अकॉर्डिंग एक्सेसराइज एंड H&M की जो ज्वेलरी आती है, जो क्वालिटी आती है वो अच्छी आती है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो ये टार्निश नहीं होती, सो डेफिनेटली ये वर्थ इट है उस प्राइस के अकॉर्डिंग। और ऑर्डर किया था, बट ये मैंने जो ऑर्डर किया था, मैंने कुछ ऐसा ऑर्डर किया था, मेरे पास ये आया है कि क्वालिटी भी ना ऐसी ठीक ठाक सी आई है। दिस पेंडेंट, तो इसमें इतना क्यूट सा फ्लावर है एंड बीट्स वाली, इसमें आपको चेन मिलेगी सिल्वर कलर की। इसका साइज़ मुझे काफ़ी बड़ा लगा, इतना बड़ा साइज़ मैं नॉर्मली प्रेफर नहीं करती, स्पेशली नेकलेस या फिर ऐसे पीसेस में। सो आई डोंट नो मैं इसे रखने वाली हूँ नहीं रखने वाली। इसका जो प्राइस है वो 200 समथिंग ही था, बट उसके अकॉर्डिंग भी इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। इससे वांटेड समथिंग ऐसा रेनबो वाला, मैंने उसको देख के ऑर्डर किया था। या बट जस्ट कीप दैट इन माइंड, मुझे नहीं पता अगर आप वो ऑर्डर करेंगे तो क्या आने वाला। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, मुझे सब कुछ ही अच्छा लगा ऑलमोस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।